गलवान घाटी पे कितना बड़ा झूठ बोलिया था इस सरकार ने, तो मीडिया दिखा नहीं रही। 42 बच्चे एक साथ अगर सुसाइड करते जिसमें दो सगे भाई पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे। जहन दोस्तों, सच सामने आके ही रहता है। जैसे कि एक सैनिक है, चीख चीख के पुकार रहा है, और जब से पुकार रहा है कि जब से सरकार आई है और सैनिकों का किस तरह इस्तेमाल कर रही है। गलवान घाटी की जांच का विषय हो और दूसरे तमाम ऐसे मुद्दे हों, भटकते हुए मुद्दे हों, उनके पीछे क्या प्लानिंग है, एक जवान सरकार को कैसे कोस रहा है, कैसे सवाल पूछ रहा है, अब लोग यही करेंगे और यही होगा। चाहे वो सेना का जवान बेल्ट कैप में बात करता हो, चाहे ये नौजवान है जो आज परेशान है और इतनी सारी सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, कई आगजनी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों सुसाइड कर रहे हैं। आखिर इसलिए कर रहे हैं कि उनका आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं करा सके, आपकी फेलोरिटी है। हो सकता था टूर ऑफ ड्यूटी को और 2 महीने बाद कुछ वैकेंसी दे देते, सांत्वना तो हो सकती थी, आप वैकेंसी कम कर सकते थे। एयरफोर्स का रिजल्ट निकला, वहां पे आप मेरिट को थोड़ा और कम कर सकते थे, जिसका प्रक्रिया तो पूरी हो जाती। लेकिन कहां लिखा है संविधान में कि 100% उन्होंने रिजल्ट दिया, आपने कैंसिल करके टूर ऑफ ड्यूटी हमारे ऊपर थोप दी, जबकि पहले ये बोला गया था ये एक ट्रायल बेसिस पर रहेगा। आज लोग कहते हैं अफसर तो बहुत दिनों से सेना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या करता है अफसर रहके, हमें तो पता ही नहीं चलता ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, लॉन्ग सर्विस कमीशन है, क्या लेना होता है अफसर को। अरे काम नीचे करना होता है, काम नीचे कराना होता है। जेसीओ और वार को पूछे किन परिस्थितियों में वो नौकरी करता है, ये तो उसको काम करना भी मुश्किल है, लेकिन सेना में अब काम कराना और भी मुश्किल होता जाएगा। लोग काम कराने के डर के मारे, जो लोग पुराने फौज छोड़ के आ जाएंगे, और प्लान आप कर रहे हो कि मैं 8 साल 10 साल में 2032 तक पूरी करेंगे, आप प्रीमेचर खोल के देख दो, अगले 5 साल में फौज खाली हो जाएगी, कोई फौज में नौकरी करना नहीं चाहेगा। आप देखिए किस तरह सैनिक आग बबूला हो रहा है, सीनियर अफसर भी हमारे इसमें साथ दे रहे हैं कि इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि फौज के लिए घातक सिद्ध होगा। लेकिन बड़ी बड़ी मीठी प्लान मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर पूरी जनता को आप काबू में कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा देश है, इसमें रोजगार का साधन है सेना, रोजगार का करेज का साधन है। आप नॉर्थ बेल्ट में देखिए कितना प्रतिशोध की आग बढ़ रही है, इसमें लोग चल रहे हैं, स्वयं भी लोग अपने आप को बलिदान दे रहे हैं कि आखिर उनके साथ इतना छलावा क्यों हुआ। समझना होगा सरकार को, और इस जो सोल्जर आपसे वीडियो में कह रहा है इसके जवाब देने होंगे। धन्यवाद दोस्तों।